द फ्रंट पर मेरे साथ देखिए साधु जगबाव राणा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहे हैं जो पूरे देश के लिए बेहद ज़रूरी है। आपने सुना होगा हाल के कुछ हफ्तों में कोई 3-4 आईएएस अफसरों ने, जो कि अधिकांश ट्रेनी आईएएस ऑफिसर थे या अभी अभी पोस्टिंग उनको मिली थी, उनमें एक थे जो कि कुछ साल के एक्सपीरियंस के थे, सभी युवा थे, इन सभी ने आईएएस से इस्तीफा दे दिया। जाहिर है अपने पत्र में उन्होंने लिखा कि भाई चीज़ें बहुत सही नहीं हैं, प्रजातंत्र के तमाम मूल्य मेरे ख्याल से इग्नोर किए जा रहे हैं, ये उनकी नाराज़गी थी। जाहिर है कि अगर आप एक सिस्टम में आते हैं तभी आपको समझ में आएगा कि सिस्टम कैसा है। जब एग्ज़ाम दे रहे थे सिविल सर्विसेज का तब तो आपको पता चलता नहीं है। तो वो बेचारे आए, देखा, कुछ दिन बाद उनको समझ में नहीं आया, उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन अब ज़रा केंद्र सरकार का रवैया देखिए। केंद्र सरकार के एक मंत्री ने तत्काल एक स्टेटमेंट दिया, ये जितने लोग इस्तीफा दे रहे हैं आईएएस के नए लड़के, ये सब वामपंथी विचारधारा के हैं। और अब सरकार गंभीरता से सोच रही है कि किसी तरह से एक नया कानून लाया जाए। डीओपीटी को इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं, एक नया कानून लाया जाए जिसके तहत कोई भी अफसर अगर ट्रेनिंग के बाद इस्तीफा देता है तो कुछ लाख उसको मुआवजे के रूप में देने होंगे। मतलब कि अब आप अगर सिस्टम ख़राब का आरोप लगता है तो उस पर इस्तीफा ना दें। मामला इतने ही पे नहीं रुका, एक पूर्व केंद्रीय मंत्री जो उठपटांग अपने तर्कों के लिए जाने जाते हैं, और अब की बार उनको नहीं लिया गया है, अब की बार उनको नहीं शामिल किया गया है मंत्रिमंडल में, उन्होंने तत्काल उनको नाराज़गी जाहिर की। उनकी नाराज़गी क्या है? ये जो आईएएस इस्तीफा दे रहे हैं ये देशद्रोह कर रहे हैं। और उनका तर्क क्या है साहब? एक बहुमत से चुनी हुई सरकार पार्लियामेंट में एक कानून बनाती है, एक नीति लाती है, और उसका विरोध, इसका मतलब ये देश का विरोध है, और देश का विरोध देशद्रोह होता है। उन्होंने ये भी प्रेस्क्राइब किया कि ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। वैसे ये पाकिस्तान भेजने का धंधा केंद्र में वर्तमान मंत्री, जो पहले भी मंत्री रहे, ये उनका है। लेकिन मुझे लगता है कि ये पूर्व मंत्री को लग रहा है कि अगर ये पाकिस्तान का प्रिस्क्रिप्शन वो भी पहले करते हो तो उनका मंत्रिमंडल ना गया होता। तो अब वो ज़्यादा शिद्दत से सब लोगों को पाकिस्तान भेज रहे हैं। इस लॉजिक का ये मतलब हुआ कि जो वामपंथी है, जो कांग्रेसी है, जो मीडिया है, जो थोड़ी बहुत बची है, जो कि सरकार की नीतियों की आलोचना करती है, वो सब देशद्रोह कर रहे हैं और उन्हें भेज दिया जाना चाहिए पाकिस्तान। ये एक चैप्टर है। किसी भी देश में जब नेतृत्व कुतर्क करने लगता है और कुतर्क को वो अपने कुकर्म को ढकने के लिए इस्तेमाल करता है तो ये माना जाता है कि चलिए साहब ये सत्ता में लोग हैं, ये करते हैं। लेकिन ख़तरा तब ज़्यादा हो जाता है जब देश का एक बड़ा हिस्सा, देशवासियों का एक बड़ा हिस्सा भी उसे सत्य समझने लगता है। आज भारत की सबसे बड़ी चिंता ये है कि देश का एक बड़ा वर्ग है जो ये मान रहा है कि अगर आपने वंदे मातरम नहीं बोला तो आप देशद्रोही हैं, अगर आपने सरकार के सिस्टम के बारे में कुछ कहा तो देशद्रोही हैं। और यही वजह है कि मिर्ज़ापुर में एक डीएम ने एक पत्रकार पर इसलिए मुकदमा कर दिया क्योंकि उसने चावल और नमक हिलाते हुए एक वीडियो प्रसारित किया। कलेक्टर साहब का ये भी कहना है कि हाँ वो वीडियो सही है, लेकिन उनका तर्क ये है कि साहब इससे पूरे राज्य को आप बदनाम कर रहे हैं, लिहाजा ये राजद्रोह, ये गलत है। यही मामला नहीं रुका, क्यों ना देशद्रोह हो? आप ज़रा गौर कीजिए, तबरेज को जब घंटों पीट के मारा गया, इस आरोप में भी उसने किसी गाय या किसी चोरी के लिए आया था, ये झारखंड के खरसावां गांव, ज़िले के एक गांव का किस्सा है।
घंटों बिजली के पोल से बांध के उसको पीटा गया था। घंटों पीटे जाने के बाद जब पुलिस आई तो उसने एक अजीब चीज़ की। पुलिस ने कहा कि साहब तबरेज ने चोरी की है, चोरी के लिए आया था, लिहाजा उसको जेल कर दिया। घायल, बुरी तरह घायल तबरेज 4 दिन जेल में रहा। जेल में रहने के बाद तबरेज को अचानक तबीयत बहुत ख़राब हुई। जब वहाँ ले गए वो अस्पताल में, पुलिस वाले सदर अस्पताल में खरसावा के, तो उसको मौत, डॉक्टरों ने कहा कि ये मर गया। तबरेज के मरने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में कहा, तबरेज की घटना निराशाजनक है, ये बहुत गलत है, मैं इसकी निंदा करता हूँ, लेकिन जो लोग इस घटना को लेकर निंदा कर रहे हैं, इस पे राजनीति कर रहे हैं, ये झारखंड के लोगों का अपमान कर रहे हैं। अब ज़रा सोचिए कि तबरेज को कुछ लोगों ने मारा, अगर उसकी निंदा की जाए तो वो झारखंड के लोगों की निंदा होगी। अगर आईएएस अफसर इतनी बड़ी नौकरी से इस्तीफा दे सरकार की नीतियों के खिलाफ, तो वो वामपंथी और देशद्रोही हो जाता है। और अगर झारखंड के लोगों की आपने निंदा की है, अपमान किया है, तो यही झारखंड के लोग तो केंद्र में सरकार बनाए हैं, इन्होंने ही मोदी को वोट दिया है, तो बाय एक्सटेंशन ऑफ लॉजिक झारखंड, जब अगर तबरेज कोई मरता है कभी, तो आप उसकी निंदा ना कीजिए, क्योंकि वो उस देश के, उस राज्य के लोगों का अपमान है, और अगर लोगों का अपमान है तो जाहिर है कि वो देशद्रोह होता है, क्योंकि यही लोग तो सरकार चुनते हैं। बहुमत में जो सरकार आई है उसकी नीतियों का अपमान भी उतना ही गलत है जितना कि आप कुछ लोगों द्वारा मॉब लिंचिंग में तबरेज को मार देना, दोनों एक ही चीज़ है। लिहाजा अब इस देश में अगर कोई तबरेज मारा जाए तो आप कतई उसकी खबर न दें, या अगर सरकार की नीतियां गलत है तो उसकी निंदा नहीं, क्योंकि सरकार बहुमत में आई है। पर अब एक सवाल उठता है, 1975 में जब इमरजेंसी लगी उस समय इंदिरा गांधी बहुमत में थी, और ये बहुमत का फैसला था, पार्लियामेंट में लिया गया था, कैबिनेट ने पास किया, पार्लियामेंट में अनुमोदन किया, बहुमत की सरकार थी इंदिरा गांधी की, तो अगर उसने इमरजेंसी लगाई उस सरकार ने, तो उसकी निंदा करना क्या देशद्रोह नहीं था? और यही बीजेपी थी जिसने कि ज़बरदस्त उसके खिलाफ जनमत तैयार किया, हजारों लोग अरेस्ट हुए, तब फिर बीजेपी आज क्यों कहती है कि बहुमत की सरकार के लिए गए फैसले की खिलाफत करना, मजम्मत करना देशद्रोह है? क्योंकि 1975 में भी तो ये देशद्रोही माना जाता ना इस लॉजिक से। लेकिन नहीं, स्थितियां बदल गई हैं, एक ज़माना गुजरा है, अब तर्क दूसरी तरह चलता है। अब इसका दूसरा भोंडा स्वरूप देखिए, एक तरफ आईएएस अगर रिज़ाइन करता है, सिस्टम रिज़ाइन कर रहा है, आप सोचिए, मान लीजिए वो वाम विचारधारा का है, कितनी ताकतवर वो विचारधारा है कि वो सिस्टम में जैसे ही गंदगी देखता है तो आईएएस ऐसी नौकरी छोड़ देता है। लेकिन इसका फ्लिप साइड देखिए, इसका रिवर्स साइड देखिए, एक अन्य आईएएस अफसर होता है, आईपीएस होता है, तबरेज के केस में जब पोस्टमार्टम हुआ तो वहां उस समय डॉक्टर ने कहा कि इनका डेथ का रीजन प्राइमरी फेसी लगता है कि इंटरनल वो जो हेड इंजरी है उससे हुआ है, उसकी वजह से जो इंटरनल हेमरेज हुआ है उसकी वजह से इनकी डेथ हुई है। ये बात पोस्टमार्टम जो पहली हुई उसमें थी, डॉक्टर ने मीडिया से भी कहा। लेकिन फिर सरकार जब बहुत मीडिया में क्रिटिसाइज होने लगा तो सरकार ने एक बोर्ड बैठाया। इस देश में कमेटी, कमीशन, बोर्ड खास करके तब बैठाए जाते हैं जब केस की लीपापोती करनी होती है। एक बोर्ड बैठा और जो अगला पीएम रिपोर्ट आया उसमें कहा गया कि नहीं साहब, बहुत पूरी तरह डिटरमाइंड नहीं है कि किस वजह से हुई है, लेकिन हार्ट अटैक भी रीज़न हो सकता है। जो फाइनल रिपोर्ट आई उसमें कहा गया नहीं साहब, ये तो दिल के दौरे से मरा है, तबरेज 22 साल का था। 22 साल के लड़के को 8 घंटे पीटने के बाद ज़रा सोचिए, और 8 घंटे पीटा गया था तो उसके तमाम चोटें थी, लेकिन मरा तो वो दिल के दौरे से।
कम से कम चोरी करने गया था तो दिल तो मजबूत करके जाना चाहिए था। ये नया अध्याय है नए शासन का। अब ये एक पक्ष है। उसके बाद जब ये पीएम रिपोर्ट आ गई तो अब उसके ऊपर जो 11 लोग मॉब लिंचिंग में बंद थे, मुकदमा हो रहा था, चार्ज एफआईआर में थे, उन सब के ऊपर 302 की जगह अब वहाँ के कप्तान ने 304 लगा दिया है। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। आप ज़रा सोचिए, अब वो हत्या के आरोपी नहीं हैं, गैर इरादतन हत्या के आरोपी हैं, बहुत कम सज़ा होती है। तो अब आप ध्यान रखें कि जब भी मॉब लिंचिंग करें तो दो तीन चीज़ें पहले से पता कर लें, उसके हार्ट प्रॉब्लम है कि नहीं, और अगर हार्ट प्रॉब्लम है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मरेगा तो अंत में वो हार्ट के प्रॉब्लम से, या एक कागज़ का टुकड़ा दिखा दिया जाएगा कि साहब इसने तो हार्ट की दवा ली थी, लिहाजा अगर 8 घंटे पिटाई करनी हो तो थोड़ा सा हार्ट वर्ड के बारे में जान लें, शायद ये मैसेज है। यूपी सरकार एक नया काम करने जा रही है, मॉब लिंचिंग के जितने भी शिकार होंगे उनको बहुत अच्छा कंपेंसेशन देने जा रही है। ज़रा सोचिए हम कहाँ आ गए हैं। हमारी चिंता मॉब लिंचिंग नहीं है, अखलाक, पहलू खांप, जुनैद, तबरेज, ये मारे जाते हैं, ये हमारी चिंता नहीं है। हमारी चिंता ये है कि भाई मारे जाएं तो कुछ पैसा उनको ज़रूर दो, उनके परिवार वालों को दो। तो आज यूपी एक कानून ला रहा है, अपने कैबिनेट में पास किया है एक नया वो अध्यादेश, नया ऑर्डर। कैबिनेट अप्रूवल के बाद अब जो भी मॉब लिंचिंग का शिकार होगा, अगर वो मर गया तो परिवार वालों को, नहीं तो अगर जिंदा रहा तो उसको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। तो अगर आप गरीब हैं तो ये ऑप्शन भी सोच सकते हैं। क्या हो गया है इस देश को, कितना ये जड़वत होता जा रहा है, कितना तर्कहीन होता जा रहा है कि तबरेज मरता है तो 4 महीने में 3 PM रिपोर्ट आती हैं और तीसरे PM रिपोर्ट में कह दिया जाता है कि दिल का दौरा पड़ा। मिर्ज़ापुर में चावल और नमक खिलाने के आरोप को जो पत्रकार वायरल करता है वीडियो, जिसमें साफ दिखाया गया है, जिसमें वही कलेक्टर बार बार कहता है हाँ ये मैंने पता किया था और नमक उस दिन दिया गया था, चावल और नमक दिया गया था, उसके अधिकारी कहते हैं, जो रिपोर्ट बाद में बनी उसमें भी अधिकारी कहते हैं, लेकिन अचानक जब, क्योंकि सरकार बहुमत की है यूपी में भी, तो लिहाजा डीएम ये कैसे बर्दाश्त करेगा कि बहुमत के सरकार के खिलाफ कोई आरोप लगे, क्या ये देशद्रोह नहीं होगा, और डीएम देशद्रोह तो नहीं देख सकता। तो एक आईएएस ये भी है जो देशद्रोह को लेके इतनी चिंता है, बताइए वो जो इस्तीफा दे रहे हैं कितने गैर जिम्मेदार हैं कि सिस्टम में खराबी दे के आईएएस की नौकरी छोड़ दे रहे हैं। और एक ये है जो कि अगर वहाँ पे करप्ट सिस्टम ने बच्चों को चावल और नमक दिया है तो उसका लॉजिक ये होगा कि बहुमत से चुनी सरकार के नुमाइंदे अगर चावल नमक खिला रहे हैं तो आपको दिक्कत क्या है, मीडिया को इससे क्या दिक्कत है। और डीएम ने कहा भी कि अगर उसने देखा था तो ये बात पहले अधिकारियों को बतानी चाहिए थी। ज़रा सोचिए, आर्टिकल 19(1)(a) जब संविधान निर्माताओं ने बनाया था तो क्या ये तसव्वुर था उनका, 19(1)(a) जब बनाया था तो उसके साथ उसी के नीचे 19(1)(g)(h) भी दिया था, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, और उसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अधिकार थे कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में फैसले ले, लेकिन ये अधिकार मीडिया के मामले में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के मामले में नहीं दिया गया था। 19(6) में ये अधिकार हैं लेकिन 19(2) में ये अधिकार नहीं है, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये अधिकार नहीं दिए गए थे कि वो मीडिया के खिलाफ पब्लिक इंटरेस्ट देखे, पब्लिक ऑर्डर देख सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट नहीं। लेकिन ये कलेक्टर साहब शायद संविधान पढ़े नहीं हैं, लेकिन कम से कम देशद्रोहियों को तो पकड़ ले रहे हैं, उसके ऊपर FIR कर दे रहे हैं। यही BJP को चाहिए, यही वर्तमान गवर्नमेंट को चाहिए। मुझे लगता है कि देश में जब तक ये तर्क शक्ति नहीं आएगी तब तक हम चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे और सरकारें इसी तरह के फैसले लेंगी, इसी तरह मॉब लिंचिंग होती रहेगी और हम इसी तरह से
कभी देशद्रोही बन जाएंगे और कभी देशद्रोह के खिलाफ खड़े होंगे और देशद्रोहियों को पकड़ते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।